हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद माय व्लॉग। एंड आज मैं जा रही हूँ रजौली गार्डन बिकॉज मुझे वहाँ पर कुछ काम है। एंड लेट मी टेल यू, मैं लेज़र ट्रीटमेंट कराती हूँ, दैट इज़ हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट। सो आज मैं वहाँ पर जा रही हूँ एंड आई विल शो यू सम ऑफ द स्टेप्स जब हम पहुँच जाएंगे। एंड फाइनली मुझे बहुत टाइम वेट करने के बाद अपॉइंटमेंट मिली बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो आई एम ऑन माई वे, अभी तो मैं बस घर से निकली हूँ और रजौरी पहुँचने में शायद 15 to 20 minutes लगते हैं एंड देन मुझे वहाँ पर 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद लेट्स सी, मैं शायद मेट्रो से वापस आऊँ या कैब से, आई डोंट नो। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, अब मैं रिजफील्ड की तरफ जा रही हूँ, स्टेयर्स चल रही हूँ। हाँ, थोड़ी सी अप्रोच इतनी अच्छी नहीं है बट अंदर से काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी अच्छा एंड गुड एम्बियंस, अच्छा रॉयल लगता है। गाइस, यहाँ पर लेज़र होता है, ये मेरा लेज़र रूम है एंड ये दीदी करती हैं। सो अभी स्टार्ट होगा एंड हम आपको प्रोसीजर दिखा देंगे, सो स्टे ट्यून्ड। बेसिकली दिस इज द मशीन जिससे होता है लेज़र। गाइस, फर्स्ट स्टेप फॉर लेज़र इज रेज़र। तो दीदी पहले मेरा यहाँ पे रेज़र करेगी सब कुछ क्लीन करके। पहले आप देख सकते हैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दिया है। अब दीदी मेरा पूरा फेस क्लीन कर रही हैं। अब दीदी वाइट कलर पेंसिल से मार्किंग्स कर रही हैं कि इसी पोर्शन में उन्हें रेज़र और लेज़र करना है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर द लेज़र ट्रीटमेंट। एंड अब मेरा रेज़र करना स्टार्ट कर दिया है, दैट इज़ हेयर शेव कर रहे हैं, मेरे चीक एरिया भी शेव कर रहे हैं जहाँ पे मार्किंग्स करी थी। दीदी एलोवेरा जेल अप्लाई कर रहे हैं फॉर अ कूल इफेक्ट। देन हमें मशीन से शॉट्स देते हैं टू क्लोज द पोर्स। शॉट्स देने के बाद मेरी स्किन को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करा है ताकि कुछ भी बर्निंग या ईचिंग ना हो। फ्रेंड्स, माय लेज़र इज कंप्लीट, आप देख सकते हैं। तो मेरी स्किन इतनी शाइन कर रही है, ठीक है, राइट, और इतनी क्लीन लग रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ लेज़र, बिकॉज सारे हेयर रिमूव हो चुके हैं। एंड मुझे काफ़ी टाइम हो गया सिटिंग्स लेते हुए एंड रिजल्ट इज रियली गुड। सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं एंड मैं आपको भी बाहर जाके दिखा देती हूँ पूरा इनका कैसे बना हुआ है रिच फील। सो आप आइए एंड हैप्पी सिटिंग्स ले सकते हैं। एंड सब, मैं निकल चुकी हूँ रिच फील से एंड अब मैं मेट्रो से घर जा रही हूँ। सो अभी तो एस्केलेटर्स पे हूँ, मेट्रो कार्ड में साथ में लाई हूँ, सो आई डोंट नीड टू बाय अ टोकन। और अब बस मेट्रो पर चढ़ूंगी एंड पिंक लाइन से जाऊंगी बिकॉज NSP पे उतरना है ना। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर तो आ गई हूँ बट ट्रेन मेरे सामने से गई है ना, मुझे शायद 6 मिनट्स वेट करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट ट्रेन टू कम, क्या करना। एंड गाइज, आप देख सकते हैं आफ्टर अ वेट ऑफ 5 मिनट्स मेट्रो जो है वो आ गई है एंड अब मैं अंदर जाऊँगी। इस गेट के सामने रुकेगी, अगर आपको भी पिंक लाइन में गया तो ये खुलेगा, देन आई विल गो इनसाइड। कोच में बैठी हूँ, काफ़ी खाली है एंड काफ़ी सही है।